आरबी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अभी थोड़ी देर बाद डबरा ग्वालियर के अंदर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भीम आरबी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं। कल आपको बता दें कि उन्होंने मध्य प्रदेश के करैया के अंदर एक जनसभा को संबोधित किया और अपने कार्यकर्ता नेता जो रहे थे उनकी निधन हुआ था, उनके परिवार को आगे के लिए सपोर्ट करने उन्हें जिला अध्यक्ष और उनके परिवार के लोगों को प्रत्याशी बनाने का भी निर्णय लिया। और उसके बाद आज चंद्रशेखर आजाद डबरा जो ग्वालियर में है उनके में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। डबरा आपको बता दें कि बहुजन समाज के मूवमेंट से जुड़ी हुई एक बड़ी सीट मानी जा रही है। इस सीट पर बहुजन समाज के लोगों ने कई बार जीत हासिल की है, इसके चलते चंद्रशेखर आजाद भी अपनी सियासी जड़े यहाँ पर जमाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसी के चलते वो मध्य प्रदेश में ये एक आपको बता दें कि चुनावी जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश में इसी साल 2023 में विधानसभा के आम चुनाव होने हैं और इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद की भी तैयारियाँ पूरी जोरों शोरों से चल रही है, जिसके चलते आज वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर जानकारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता सुनील अस्ते ने दी है। मिलेंगे इस नए वीडियो के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना।